नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जनपद महाराजगंज में इन दिनों आग ने ऐसा तांडव मचा दिया है कि हर एक घंटे पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गांव, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घर जरूर जलता दिखाई दे रहा है। यह लगातार पिछले एक सप्ताह से चलता आ रहा है। प्रत्येक दिन आग लग रहा है और उस आग का खामियाजा इतना भयानक भुगतना पड़ रहा है कि उसका एक जीता जागता उदाहरण आपको जब दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। जब इसको दिखाने का प्रयास करेंगे, जब इस घर को देखेंगे और यहाँ जो नुकसान हुआ आग लगने की वजह से, उन नुकसान को जब आप देखेंगे कि तो आपका कलेजा फट जाएगा, आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। ये जो घर दिखाई दे रहा है, ये घर अभी एक घंटा पूर्व ठीक ठाक था, खड़ा था, लेकिन आग लगने की वजह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर के धराशायी हो गया, जमींदोज हो गया। सबसे दुख की बात यह है कि इस घर के जो मालिक है वो बेचारे विकलांग हैं, उनका एक हाथ नहीं है। ऐसे में वो पूर्ण रूप से बेसहारा हैं और बेसहारा होने के बाद आग ने ऐसा तांडव किया कि उनके ऊपर उस दुख के बाद एक और दुखों का पहाड़ टूट गया है। ये तमाम यहाँ महिलाएं आप लोग देख रहे होंगे, ये अपने सामानों को निकाल करके किसी प्रकार से किसी तरह से सुरक्षित स्थानों पर रखी हुई है जिससे बच सके। उसमें से 80 से 90% सामान और सारा चीज तो जल करके राख हो गया है, महज कुछ सामान बची हुई है जो इन लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बचा करके रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, जिन चीजों को बचाना चाहिए उन चीजों को बेचारों ने लगातार प्रयास किया, उसके प्रयासों के बावजूद भी उन चीजों को बचाने में ये नाकाम रहे। बचाने के लिए लोग कुछ साड़ियां हैं, कुछ चद्दर है, कुछ बिस्तर है, किसी प्रकार से वो लोग बचा लिए हैं, लेकिन घर की बात करें तो वो घर पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। बात करेंगे जिनके मकान, उनसे। बाबा आपका मकान है ये? हमारा मकान ही है, मकान ही हमारा। कौन कौन रहते थे? हमारे चार को बेटा माना, अलगे हमारे माँ, हम छोटे भाई का है हमारा। इस घर में जब आग लगी थी तो कोई घर के अंदर था? नहीं, आग लग गई तो भाग गए। कितना नुकसान हुआ? अरे बहुत नुकसान हो गया, मदद के लिए प्रशासन या दमकल की गाड़ी आई चलवा बाद में आई है रे दादा, जर गई है हो दादा, बहुत जर गई है, सारा जरत रहा। तो आई है गाड़ी, तब उतर सब कुछ भी नहीं बचल, जरले पर कुछ नहीं बचल। दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं हुई है? मृत्यु नहीं भल, जर गई बानी हम यहाँ, जर बानी दोनों गोड़ जर गई बा, बचाव पानी फेंकत फेंकत जर गई बानी, सब जर गई है, सब सामान कुछ लेखना है। गापन में हम गोंक जे लगा में देख ली, सारा जर के अंगार हो गई बा, कुछ नहीं बचा। चलिए अभी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, अन्य भी तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका घर कौन सा था बताइए, यहीं से बताइए माता, यहीं से। आपका घर कौन सा था? ये घर हल्का दोल बस, आप घर घर नहीं रहनी है जा, रिश्तेदारी में बियाह रोल गई लनी है जा, आइए सारा सामान जर गल बा। कागज कितने लोग इस घर में रहते हैं? इधर में सात लोग, सात लोग हैं, सात लोग रहते हैं। जब आग लग रहा था उसमें उस समय कोई था घर के अंदर? नहीं, साहब धावर रहनी है जा, रिश्तेदारी में रहनी है जा, शादी। क्या क्या जला आपके घर के अंदर? गैस सिलेंडर जरल बा, गेहूं गेहूं जर गई बा, सब जल गया, सब कुछ नहीं है बचा, सब साहब सब जर गए। सिलेंडर फटा था? हाँ, गैस सिलेंडर फटा था। हाँ, बक्सा कपड़ा लता घर ढोई गए बा साहब सब। चलिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं तस्वीरों के माध्यम से, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये बक्सा है और इसमें कुछ भी सामान नहीं बचा, यह पूरी तरह से जल करके राख हो गया है, जो निकाल करके ये लोग बेचारे किसी तरह से बाहर रखे हुए हैं जलने के बाद। अब आपको दिखाने का प्रयास करते हैं इस घर को, और ये घर आपको बता दें तो इसमें बताया जा रहा है कि सिलेंडर रखा हुआ था और आग जैसे ही पकड़ा, आग लगने के बाद सिलेंडर को आग ने पकड़ लिया और उसके बाद से सिलेंडर इतना जोर से ब्लास्ट हुआ कि अब पूरा का पूरा छत जमींदोज हो गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा घर है। अभी हम इसके अंदर जा करके आपको दिखा भी नहीं सकते हैं क्योंकि जिस तरह से ये गिरा है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है।
इस वजह से परिवार के तमाम लोग घर को छोड़ करके यहाँ सिवान खेत है उसमें चले गए थे। यहाँ एक और दिखाने का प्रयास करेंगे, यह बक्सा इसमें भी देखिए तमाम बर्तन रखी हुई है, पीतल के बर्तन है, तांबा के बर्तन है, वो सभी बर्तन जल करके राख हो गई है। अंदर दिखाने का प्रयास करेंगे तो इस घर के अंदर आप स्थिति देखेंगे तो चारों तरफ सामान जल करके राख हो गया है। इसके अंदर आएंगे तो लोग बता रहे हैं इसमें राशन वगैरह रखा गया था, राशन रखा गया था, वो राशन खाने के लिए लोग रखे हुए थे किसी तरह से, लेकिन यह पूरी तरह से राशन भी जल करके राख हो गई है। लोग बता रहे हैं कि आग इतना भयानक रूप ले लिया था कि उस आग में जो भी सामान जो भी चीजें आग के लपेटे में आई सारा जल करके राख हो गया। अभी आप देख सकते हैं ये चावल रखा हुआ था, लोग रखे थे इसको खाने के लिए, लेकिन चावल भी जल करके राख हो चुका है। ये चावल पूरी तरह से जल गया, खाने लायक नहीं बचा है। हमने आपको घर दिखाने का प्रयास किया। ये देखिए ये सिलाई मशीन है और इस सिलाई मशीन का हालत देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, और वो जो घर बिल्डिंग जो गिरी हुई है उस बिल्डिंग को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी, स्थिति कितनी भयानक रही होगी उस समय, जो इस तरह से जला हुआ है, सारा सामान इस तरह से जल गया है, घर गिर गया है। अभी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से सामने से दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कितने भयानक तरीके से आग लगा था कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। आप देखिए इसमें बेड रखा हुआ है, चेयर्स रखे हुए हैं, वो सारा का सारा जल गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेंडर फटने की वजह से ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। हमने लोगों से बात किया था, आप ही का घर है? कौन? हमारा घर। कौन कौन रहता था इसमें? हम, हमारा सास, हमारा ससुर और हमारे पति, बाकी इसमें पति बाहर है और देवर भी घर पे है और सास भी घर पे है और हम भी घर पे है। आग कैसे लगी थी कुछ पता है आप लोगों को? हमको आग के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमारा घर दिल है, हमारा सब कुछ नहीं बचा इस समय। घर जब जल रहा था तो उस समय आप लोग यहाँ थे घर में? हाँ, मैं आते थे, आग जल रहा था। ये घर कैसे गिरा, छत कैसे गिरा? गैस फटने का, गैस फटने की वजह से, हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि सिलेंडर फटने की वजह से यह घर गिरा था। ये तमाम महिलाएं हैं और स्पष्ट तौर पे इनके दुखों को इनकी बातों से आप सुन करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दर्द में कितने दुख में हैं। और कारण यह है कि आग ऐसी चीज है जब वो जलती है और विकराल रूप लेती है तो अपने लपेटे में आए हुए किसी भी चीज को नहीं छोड़ती है, सारी चीजों को वो जला करके राख कर देती है। महाराजगंज जनपद की बात करें तो इन दिनों आग ने ऐसा तांडव मचाया है कि पूरे जनपद भर में तमाम जगहों पर प्रत्येक दिन आग लग रही है, जिसके वजह से लोग परेशान हैं और दमकल की लगातार बात की जा रही है। जनपद में इतने कम दमकल की गाड़ियां हैं कि चाह करके भी सभी जगहों पर दमकल के लोग और दमकल की गाड़ी लेकर के समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि दमकल की गाड़ियां जितनी संख्या में उससे कई सौ गुना ज्यादा संख्या में इस जनपद में इन दिनों आग लग रही है। तो सवाल यह भी है कि दमकल की गाड़ी कहां कहां जाएगी। लेकिन इस समय ये देखिए यही वो सिलेंडर है जो फटा है, आप देख सकते हैं इसकी स्थिति, यही सिलेंडर है जो फटा और इसी सिलेंडर के फटने की वजह से ये बिल्डिंग जो थी वो नीचे गिर गई है, जमींदोज हो गई है। आप सिलेंडर की बकायदा स्थिति देख करके भाप सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना भयानक रूप लिया होगा कि सिलेंडर फट गया और सिलेंडर फटने की वजह से पूरा का पूरा छत, पूरा का पूरा घर गिर गया है, पूरा का पूरा जमींदोज हो गया है। हमने तमाम लोगों से बात किया, ये इस समय लोगों के ऊपर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि हम चाह करके भी बयान नहीं कर पाएंगे कि इन लोगों के ऊपर कितना दुख हुआ है, कितना नुकसान हुआ। अरे कुछ नहीं बचल बा, कुछ नहीं बचल बा, देहिया सूत ने कौनो कपड़ा लत्ता कुछ नहीं बचल बा, चाउर सीधा गेहूं सारा सामान में जर गई बा, कुछ नहीं बचल बा। शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिला है अभी? कुछ नहीं मिलल बा, सब जर गई बा, कौनो सामान नहीं बा, सब एक दूठो छाकल रहा वो वही मंगर गई बा, कुछ नहीं बा, कौनो सामान नहीं बा, हमारे बच्चन के खाए के कुछ नहीं बा, हमार बाबू लोग का खाई है का पहरी हो दादा, अरे हमार माई हो। तो आपको बता दें ये जनपद महाराजगंज का विकासखंड गुगली है और विकासखंड गुगली का यह भरवलिया गाँव है। भरवलिया गाँव में दोपहर 2 बजे तक सब चीज नॉर्मल था, सामान्य था,
सभी लोग आराम से अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही दो बजने के बाद आग की लपटें इनके गांव में आनी शुरू हुई, और वो आग की लपटें इतनी भयानक थी, वो आग की लपटें इतनी भयावह थी कि सामानों के साथ साथ सिलेंडर और मकाने तक जला दी। और जलने वाली चीजों की बात करें तो घर में रखा हुआ कुछ भी इन लोगों का नहीं बचा है। जो भी लोग या जो भी मकान, जो भी सामान उस आग के लपेटे में आई है, आग के रडार में आई है, वो सारा का सारा सामान जल करके राख हो गया है। तमाम महिलाओं से हमने बात किया, इनकी आंखों से इस समय जितनी आंसुएं निकल रही हैं, उन आंसुओं का अंदाजा उनके दर्द से लगाया जा सकता है, और उस दर्द को हम तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जो भी मदद करने वाले लोग हैं, आ करके इन लोगों की मदद करें, क्योंकि जब आग लगती है तो उस घरों में, उन गांवों में शायद ही कुछ सामान बचता है, शायद ही कुछ बचता है जिनसे उन लोगों का आजीविका चल सके। बताया गया है कि इसके बावजूद यहां के अलावा बताया जा रहा है यहां के अलावा गांव के उस साइड में भी तमाम लोगों की मकाने जली हुई है। अगर हम दिखाएंगे तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये 3-4 घरों की स्थिति देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना भयानक रही होगी, कि इस तरह से इतना नुकसान हुआ है, लोगों का सारा सामान जल करके राख हो गया। बाकी ऐसे लोगों के बारे में क्या मदद होनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।